बहुत पुरानी नक्सलवाद की समस्या और नक्सलवादी क्षेत्र में नक्सल प्रभावित जिलों में भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की सभी योजना का 100% सैचुरेशन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट है उसकी प्रगति और प्रगति के रास्ते में जो बाधाएं हैं इसको दूर करने के हेतु ये मीटिंग थी। कल भी है, आज की मीटिंग में छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए सभी राज्यों के डीजी और चीफ सेक्रेटरीज भी बुलाए गए थे, क्योंकि जब हम छत्तीसगढ़ की नक्सल समस्या को एड्रेस करते हैं तब पड़ोसी राज्यों का इकोसिस्टम भी इतना मजबूत होना जरूरी है। और मैं मानता हूं मित्रों कि अब समय आ गया है कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर एक मजबूत रणनीति के साथ, रूथलेस रणनीति के साथ अंतिम प्रहार किया जाए। और आज की मीटिंग में गृह विभाग के मेरे साथी नित्यानंद जी, मुख्यमंत्री जी, उपमुख्यमंत्री जी, गृह सचिव, डीआईबी और भारत सरकार के सभी सीएपीएफ के डीजी उपस्थित थे। हम सबका मानना है कि ये वामपंथी उग्रवाद हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। विगत 4 दशक में वामपंथी उग्रवाद के कारण करीब करीब 17,000 लोगों की जान गई है, 17,000 लोग, चाहे वो नक्सल आंदोलन से जुड़े हुए युवा हो, चाहे सीएपीएफ के जवान हो, चाहे आम नागरिक हो, 17,000 लोगों का जान इस समस्या के कारण गया है। जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इस समस्या को चैलेंज के रूप में स्वीकार किया गया। दोनों दृष्टि से, एक तो जिनके हाथ में हथियार है उनको हथियार छुड़ाने का प्रयास करना और नहीं छोड़ते हैं तो उनको एंगेज करना, और दूसरा एक क्षेत्र में विकास का जो अभाव दिखाई पड़ता था, व्यक्तिगत विकास, गांव का विकास और क्षेत्र के विकास, ये तीन लिंब में ये पूरे क्षेत्र को विकास की दिशा में पूरे देश के अनुरूप एक स्तर पर लाना, और दोनों क्षेत्रों में, दोनों परिस्थितियों में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। मैं डिटेल आपको बाद में बताता हूं, परंतु आज भारत सरकार बस्तर से बीजापुर और दंतेवाड़ा से लेकर धमतरी तक पूरे क्षेत्र के विकास के लिए कटिबद्ध है और उसको वामपंथी उग्रवाद से मुक्त कराने के लिए भी कटिबद्ध है। कई अचीवमेंट हुए हैं। 2022 में एक साल ऐसा आया कि जिसमें 4 दशक में पहली बार मृत्यु की संख्या 100 से नीचे गई। 2014 से 24 तक सबसे कम वामपंथी उग्रवादियों द्वारा की गई घटनाएं दर्ज की गई। टॉप 14 नक्सली लीडर्स को न्यूट्रलाइज किया गया है। इसके अलावे हमने वामपंथी उग्रवाद की जगह, इसकी विचारधारा की जगह विकास का विश्वास लोगों में जनरेट करने में भी हमने सफलता प्राप्त की है।
हमने दो उद्देश्यों से काम किया। पहला, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करने के लिए प्रयास करना, और दूसरा, जो विनाश सर्जित हुआ था इसके कारण सर्जित हुई विकास की खाई को भरकर विकसित क्षेत्र बनाना। और मुझे हर्ष है कि कई एरिया, कई राज्य 2019 से लेकर 24 तक नक्सल प्रभावित क्षेत्र के नाम से तमगे से मुक्त हुए हैं। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कमोबेश महाराष्ट्र भी, ये सारे राज्य महाराष्ट्र का एक जिला छोड़कर नक्सल समस्या से मुक्त हुआ है। मैं मानता हूं कि ये भारत सरकार का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मित्रों, एक प्रकार से इसकी आंकड़ों का विहंगावलोकन करें तो 2004 से 14 तक 16,463 घटनाएं हुई थी और 14 से 24 तक 7,744 हुई है, तो 53% घटनाओं की कमी आई। नागरिकों और सुरक्षा बलों की मृत्यु में पहले 10 साल में 6,617 सुरक्षाकर्मी और नागरिक मृत्यु हुआ था, अब उसमें 70% कमी होकर 2004 तक ये आंकड़ा सीमित करने में हमें सफलता मिली है। इसी तरह से सुरक्षा बलों की मृत्यु में 73% की कमी और नागरिकों की मृत्यु में 69% की कमी आई है। मुझे विश्वास है कि ये हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। मित्रों, हिंसा के रिपोर्ट करने वाले जिले 2010 में 96 थे, 11 जिले नए बने, तो एक प्रकार से 107 जिले थे, उससे कम होकर अब 42 तक सिमट गए हैं। थानों की संख्या 456 थी, 456, 100 थाने नए सृजित हुए तो 565 में से अब थानों की संख्या 171 तक सीमित हुई है। 2010 के अधिकतम मृत्यु स्तर 1005 से घटकर 2023 में 138 तक सीमित हुआ है। 2019 से अब तक 277 सीएपीएफ के नए कैंप बनाए गए, उस दृष्टि से सिक्योरिटी वैक्यूम को भरने का काम किया गया। एनआईए में एक अलग वर्टिकल में 90 मामले दर्ज किए गए, 64 आरोप पत्र किए गए और वामपंथी उग्रवाद के फाइनेंस की टोटल इकोसिस्टम को, इस पर करारा प्रहार करने का काम भारत सरकार की एजेंसियों ने किया है। इसमें ईडी ने भी बहुत बड़ा रोल निभाया है। पिछले एक वर्ष में एमएचए की एयर विंग को भी मजबूत किया गया, 14 पायलट्स और 3 इंजीनियर केवल वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों के लिए मुहैया कराए गए हैं, हेलीकॉप्टर की संख्या अलग है। छत्तीसगढ़ में नई सरकार आने के बाद मैं मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को हृदय पूर्वक बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने बड़ी शिद्दत से दोनों मोर्चों में बहुत अच्छा काम किया है। टोटल देश की बात करें जिसमें 90% हिस्सा छत्तीसगढ़ का है, 179 वामपंथी उग्रवादियों को न्यूट्रलाइज करने का काम ये अगस्त महीने तक हुआ है। 559 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 540 ने आत्मसमर्पण किया है, 46 नए स्पेशल फोर्सेस के
कैंप एस्टैब्लिश किए गए, इससे भी सिक्योरिटी वैक्यूम बहुत बड़ी मात्रा में भरा है। और हिडमा के गांव में हमारा गृहमंत्री जाकर गांव वालों से बात कर उनको आधार कार्ड और आयुष्मान भारत का कार्ड देता है तो दिल्ली में बैठकर बहुत संतोष होता है। इस सारे पैरामीटर्स जो मैंने बताए हैं, इस सारे पैरामीटर्स में अब तक के वामपंथी उग्रवादी विचारधारा के खिलाफ लड़ाई में सबसे अच्छा प्रदर्शन अगस्त महीना होने के बावजूद भी इस वर्ष में हम कर पाए हैं। प्रधानमंत्री जी की स्ट्रेटेजी के कारण चार दशकों के बाद एमपी के चांडा मेटा गांव में पहली बार इस लोकसभा में मताधिकार का प्रयोग हुआ और सुकमा के छह गांव ऐसे हैं जिसमें पहली बार चार दशक के बाद आदिवासी भाई बहनों ने मताधिकार का उपयोग किया। मैं मानता हूं कि एक प्रकार से ये सिक्योरिटी फोर्सेस की विजय है, लोकतंत्र की विजय है। आज हमारे सीएपीएफ के जवान वामपंथी उग्रवादियों का सामना करने के साथ साथ विकास के कामों की भी निगरानी कर रहे हैं और 100% सैचुरेशन में सीएपीएफ और छत्तीसगढ़ प्रशासन के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एसपी का भी बहुत बड़ा रोल है। भारत सरकार ने पूरे सभी राज्यों के वामपंथी क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा कर देने के लिए ढेर सारे काम किए हैं। पिछले 10 सालों में 21,400 करोड़ रुपया और 15,300 टेलीफोन टावर लगाने की योजना रखकर इस पूरे क्षेत्र में जो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, जो आज के जमाने में बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको रिजॉल्व करने का काम भारत सरकार ने किया।